हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग यहाँ सिलेबस या एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग यहाँ बेस्ट बुक्स डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोग आईटीआई के लिए अपना फॉलो कर सकते हैं, या आईटीआई के बाद अगर टेक्नीशियंस का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं इलेक्ट्रिशियन ब्रांच से, तो आप उसके लिए फॉलो कर सकते हैं। सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न आपको क्लियर होना चाहिए, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए आपको मैं इसको लेके आया हूँ। याद रखिए कि एक लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि क्या सिलेबस है आपके इलेक्ट्रिशियन से, अगर आपको टेक्नीशियन बनना है, या क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है। क्योंकि अगर सिलेबस क्लियर होगा तभी आपको क्या बुक्स फॉलो कर रही हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो शुरुआत करते हैं बिना बहुत ज़्यादा डिले के। मैं चंद्र प्रकाश आप सभी लोगों का एडवेद एजुकेशन पर स्वागत करता हूँ। मुझसे जुड़िए टेलीग्राम चैनल पर, जो कि कमेंट बॉक्स में लिंक है, और वहाँ से आप मुझसे और सारी जानकारी या बात भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को देर मत करिएगा, और कोई भी मन में प्रॉब्लम हो, शंका हो, मैं आपकी क्लियर करूंगा। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ हम लोग बेस्ट बुक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये यूथ की बुक है, ठीक है, यूथ कंपटीशन की JEE की MCQ बुक है, याद रखिएगा। तो अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए कि आपको PG2 की यूथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक नहीं लेनी है। ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं, मिक्स्ड MCQ की बुक्स है, याद रखना। दो बुक्स आती हैं यूथ की, एक प्रीवियस ईयर पेपर्स की आती है जिसमें कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, और एक आती है मिक्स्ड जिसमें सारे पेपर्स होते हैं, मतलब JEE या AE के सारे पेपर्स के क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर वाइज उन्होंने बांटे हुए होते हैं। ये जो बुक है ये आपको टेक्नीशियन लेवल की नहीं लेनी, JEE या AE लेवल की ही लेनी है। JEE/AE करके ही ये आती है, और आपको इसी को प्रैक्टिस करना है। टेक्निकल पूरा का पूरा आपको यहीं से प्रैक्टिस करना है। अगर आपको टेक्नीशियन का कोई भी स्टेट्स या सेंट्रल का एग्ज़ाम निकालना है, तो मैं दावा देता हूं बच्चे कि अगर आप इस बुक को प्रॉपर तरीके से 3-4 बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो आपका इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं फंसेगा, गारंटी है। और याद रखिए, ये गारंटी केवल मुंह बोली नहीं है, आज से सौइयों सिलेक्शन में आप लोगों को देख चुका हूँ। यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ भी पड़े हैं कि टेक्नीशियन सिलेक्शन बाय संजय चंद्र प्रकाश सर, आप देख सकते हैं और अच्छे से उन इंटरव्यूज़ को सुन भी सकते हैं कि कैसे एक चाय तक बेचने वाले बंदा जो है, एक 36 साल का एक इंसान है, और कोई भी चीज़ मेरी काल्पनिक नहीं है, एक चीज़ बता दूँ, इसका वास्तविकता से पूरा का पूरा संबंध है, याद रखिएगा। तो आप लोग इंटरव्यूज़ भी वगैरह देख सकते हैं कि कैसे एक 36 साल के उम्र के इंसान ने, या बंदे ने, एक स्टूडेंट ने, जो कि पहले एक ज़माने में चाय की भी खोखिया उसने खोला था, पर उसके बाद फिर उसने बिजली विभाग ज्वाइन कर लिया, और फिर लाइनमैन बना, लाइनमैन से टेक्नीशियन बना, और कैसे फिर वहाँ से वो बच्चा टेक्नीशियन की भी तैयारी किया, प्राइवेट कंपनी में पहले टेक्नीशियन बना, फिर वहाँ से टेक्नीशियन की तैयारी किया वो बच्चा, और फिर उसने क्या किया, बच्चे पेपर निकाला अपना। तो ये तो एक स्टोरी है, ऐसी बहुत स्टोरी है जो 20-20, 25-25, 30-30 बच्चे मैंने एक साथ में सेलेक्ट होते हुए देखे हैं टेक्नीशियन में। तो अपने पूरे तजुर्बे से बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से आप लोगों का पेपर अब दिन पे दिन जो चैलेंजिंग होता जा रहा है, टफ होता जा रहा है, टफ इन द सेंस लेवल वो लोग बढ़ा रहे हैं, अब टेक्नीशियन का लेवल टेक्नीशियन जैसा नहीं रह गया, JEE जैसा रह गया है। JEE और AE तक के क्वेश्चंस आराम से देखे गए हैं, अगर आप लोग लगातार पेपर के संपर्क में हैं तो, जो भी हो रहे हैं। तो याद रखिए, आपको JEE या AE की MCQ बुक करनी है, और इसको आप 3-4 बार कम से कम रिवाइज करिए। फिर बात करते हैं यहाँ पर ITI की प्लेटफॉर्म की बुक आती है, जो कि बहुत शानदार बुक है। याद रखिए कि ये जो बुक आप लोग देख रहे हैं, ये जो बुक है ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आप लोग स्पेशली इसके वन वर्ड बहुत अच्छे हैं, स्पेशली इसके वन वर्ड बहुत अच्छे हैं, याद रखिए। और ये भी बुक स्पेशली MCQ के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, ना कि कंप्लीट थ्योरी के लिए। याद रखिए, मैं जिस बुक पे MCQ लिख रहा हूँ उसके लिए आप लोग MCQ के लिए आप क्या करेंगे उसके और रेफ़र करेंगे, और जिसके लिए मैं थ्योरी लिखूँगा तो आप उसको थ्योरी के लिए रेफ़र करेंगे। तो याद रखिए, इससे पहले भी जो JEE की बुक थी वो भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से MCQ के लिए रेफ़र करी जा सकती है, और ये ITI की प्लेटफॉर्म की जो बुक है ये वन वर्ड इसमें बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, जो वन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ MCQs भी दे रखे हैं, बट वो ठीक है, वो इजी लेवल के हैं, वो बहुत ज़्यादा मुझे उनसे उम्मीद कम रहती है, बट वन वर्ड बहुत अच्छे हैं इस बुक से। और फैक्चुअल बेस्ड, जो फैक्चुअल बेस्ड आपका इस बुक में डेटा दिया हुआ है,
फैक्चुअल बेस्ड, मतलब वन लाइनर टाइप की, इस ये इसका आंसर क्या होगा काइंड ऑफ, और जो डेटा, फैक्चुअल डेटा जो होता है, मतलब जो फैक्ट्स होते हैं जिनको हम लोग बदल नहीं सकते, वो बुक यहाँ पर बहुत ही अच्छी होती हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, ये बुक है बीएल थरेजा या एके थरेजा। काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मैं, मुझे तो इलेक्ट्रिकल का ई नहीं आता, मैं कैसे शुरुआत करूं? अब देखिए, ये जो बुक है ये आपकी थ्योरी के लिए बुक है, और अगर आप इलेक्ट्रिशियन की आईटीआई अगर कर भी रहे हैं, अगर अभी ये तक आपकी आईटीआई ख़त्म नहीं हुई है, या आप आईटीआई की थ्योरी के बारे में बिल्कुल जड़ से पढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस बुक को फॉलो करिए। ये बहुत अच्छी बुक है थ्योरी के लिए, ये बुक है बीएल थरेजा नाम से आती है, थ्योरी के लिए ये बुक है, और जेई लेवल की बुक है, एई लेवल की बुक है, बट आप इसे प्रेफर कर सकते हैं बहुत अच्छे से आईटीआई के लिए। क्लियर है बच्चों यहाँ से? चलिए आगे चलते हैं और अपनी बात करते हैं कि आगे कौन सी बुक्स। अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूं कि बीएल थरेजा जो है आपकी, इसके अंदर अगर आप लोग बात करेंगे तो ये जो बुक है, जड़ से आप अगर बिल्कुल जीरो हैं तो आप इस बुक से आराम से कर सकते हैं, बट एक ही प्रॉब्लम अगर आपको फेस होगी यहाँ पर, तो वो होगी कि ये बुक ओनली इंग्लिश में आती है, और अगर आप हिंदी के बुक को प्रेफर करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फेस हो सकती है। बट बिलीव मानिए कि अगर आप लैंग्वेज को थोड़ा सा ज़रा साइड में करके इस बुक को देखेंगे, कंसेप्चुअली ये बुक बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग आपको बना भी देगी। ठीक है बच्चे, तो चाहे आप कोर्स में पढ़ रहे हो अभी आईटीआई के लिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हो टेक्नीशियन की, दोनों के केस में ये आपके लिए बेस्ट काम करेगी। अब बात करते हैं पीएस दोगल की जो बुक है, ये है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। ये उन बच्चों के लिए मैं बुक बता रहा हूँ जो आपको थ्योरी की बुक है और हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो याद रखिए कि ये बुक थ्योरी की है, और ये सबसे अच्छा एडवांटेज पॉइंट इसका है ये ओनली हिंदी में है। तो जो बच्चे हिंदी में अपनी थ्योरी क्लियर करना चाहते हैं, एक बहुत बेस्ट बुक है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कंटेंट वाकई में बहुत अच्छा है। बीएल थरेजा अगर मैं आपको ओवरऑल अच्छी कह रहा हूँ, तो अगर बीएल थरेजा 100% है तो ये बुक डेफिनेटली 95% है ही। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि ये बुक मुझे सारी जितनी भी हिंदी बुक्स थी, आती तो मार्केट में बहुत हैं, मैं किसी के बारे में ये नहीं कहूँगा कि ये बुक बेकार है, वो बुक बेकार है, आफ्टरऑल हम लोग होते कौन है कहने वाले, बट इतना है बच्चे कि जितनी मेरी अपनी समझ है और जितने मैंने अपने सिलेक्शंस दिए हैं अपने अंडर गाइडेंस में, उसमें मैंने ये बुक में देखा है, इस देखो एक कंटेंट ही सिलेक्शन करवाता है। ठीक है, इस बुक का कंटेंट बहुत दमदार है, बहुत दमदार है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। हिंदी की बुक में अमूमन कंटेंट को लैग करता हुआ पाता हूँ मैं, कंटेंट नहीं होता एक हिंदी की बुक में अच्छा, बट इस बुक में बहुत अच्छा कंटेंट है। पी एस दोगल इस बुक का नाम है, आप लोग भली भांति यहाँ पर देख सकते हैं। और एक बुक मैं फिर से आप लोगों के लिए कह दूँ कि ये बुक थ्योरी की स्पेशली बुक है, अगर आप एमसीक्यू को ढूंढेंगे बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर आपको एमसीक्यू बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है इतना पॉइंट? अब बात करते हैं नेक्स्ट बुक की, ये बच्चे कंप्यूटर की बुक है। जैसे कि आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा कि कंप्यूटर भी आपका कई पेपरों में यूज़ होता है ना, कंप्यूटर का मतलब क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बुक बहुत अच्छी बुक है, कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ हैं इसमें। ये थ्योरी बुक नहीं है, ओनली एमसीक्यू बुक है, याद रखना, मैं जहाँ एमसीक्यू लिख रहा हूँ वहाँ वो पूरी एमसीक्यू ही बुक है, इसमें आप थ्योरी नहीं कर सकते, बट हाँ जितने पेपरों में जहाँ कंप्यूटर आता है, जो कि खासकर नॉन टेक्निकल फील्ड के पेपर हैं, उसके कंप्यूटर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर है, आप लोग डेफिनेटली इस बुक को कंप्यूटर के लिए रेफर कर सकते हैं। फिर चाहे आप UPPCL TGTU दे रहे हों या JVVUNL दे रहे हों, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, या फिर आप राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड दे रहे हो, RVVUNL दे रहे हो, तो भी ये बहुत बेस्ट कारगर साबित होती है, बहुत अच्छे कलेक्शंस हैं इसके क्वेश्चन के लिए, याद रखिएगा। अब बात करते हैं, अगर सर मेरी थ्योरी ही कंप्लीट नहीं है, मैं न्यूमेरिकल कैसे लगाऊंगा या एमसीक्यू कैसे लगाऊंगा? ठीक है, ये कंप्यूटर की बुक है, जो कि लूसेंट की बुक आप लोग देख रहे हैं, ये थ्योरी की बुक है, तो आप लोग अपनी थ्योरी एक अच्छी तरीके से इस बुक से क्लियर कर सकते हैं, और काफ़ी क्वेश्चंस इसमें UPPCL TGTU में डायरेक्ट फंसते हैं और राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में डायरेक्ट फंसते हैं। अच्छा ये जो कंप्यूटर की बुक है, ये यूथ कंपटीशन की बुक है, आप लोग देख पा रहे हैं, ये यूथ कॉम्पिटिशन की बुक है, ठीक है ना। चलिए आप लोगों ने अगर ये वीडियो मिस किया हुआ है कि आईटीआई डिग्री से जुड़ी जानकारी, अच्छा कुछ लोग बच्चे ये कह रहे थे कि सर आईटीआई डिग्री नहीं होती,
क्या आपको पता नहीं है बच्चे? एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत भली भांति पता है कि आईटीआई डिग्री नहीं होती, कोर्स होती है, बट ये केवल आपको समझाने के लिए है, बस बताने के लिए लिखा गया है, ठीक है? तो आप उस पर मेन मुद्दे पे जाइए, अलग ज़्यादा इधर उधर की बातें हमें भटकीये मत, ठीक है? आप एक टीचर को ये सारी चीज़ें पता होती हैं, तो आप इस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए। खैर, हम लोग बात करते हैं यहाँ विभाग, अगर कितने सारे विभागों में पेपर होते हैं, किस किस पोस्ट के लिए एक आईटीआई कोर्स का बंदा या आईटीआई डिग्री का बंदा आपका भर सकता है, और सैलरी क्या क्या होती है, ठीक है, किस किस विभाग की, ये सब आप लोग जान सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब बात करते हैं कि सिलेबस अगर आपको क्लियर है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर नहीं क्लियर है तो लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक आती है, जैसे जीएस इसमें होती है, पूरी इंडिया इंडिया प्लस वर्ल्ड जीएस, वर्ल्ड जीएस इसके अंदर होती है, या आप लोग इंडिया या वर्ल्ड जीएस के बारे में इसमें जान सकते हैं। अब याद रखिए, इसमें सारी चीज़ें होती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, सब चीज़ होती है इसके अंदर, इतिहास भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर ज्योग्राफी भी देख सकते हैं, इसके अंदर पॉलिटी भी देख सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये हिंदी में अवेलेबल है, ये बुक हिंदी में अवेलेबल है, तो जो भी बच्चे हिंदी के बैकग्राउंड के होते हैं, अमूमन आईटीआई से हिंदी के बैकग्राउंड के ही होते हैं, वो बच्चे इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? और एक और बात मैं यहाँ पर कहूँगा आप लोगों के लिए कि वैसे तो सामान्य ज्ञान कोई केवल किताब से पढ़ के उतनी नहीं करी जा सकती, कोई समझाए तो बहुत बेहतर सब तरीके से समझ में आती है, बट यहाँ क्योंकि हम लोग बुक से बात कर रहे हैं तो आपको लिए बुक बताइए, अन्यथा नहीं तो आप कोई भी अच्छा कोर्स सामान्य ज्ञान का ले सकते हैं, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि देखा जाए तो जीएसजी के बहुत अता है, बहुत सारी है, पर पेपर में क्या पूछा जाता है ये एक टीचर परफेक्टली आपको बता सकता है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि ये आप टीचर की गाइडेंस में ही करेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान का पेपर भी आईटीआई के बच्चे काफ़ी देते हैं, तो राजस्थान से जुड़ी हुई सामान्य ज्ञान की जो बुक है, क्योंकि राजस्थान जीएस और या राजस्थान जीके राजस्थान के पेपर में आती है, तो ये एक अच्छी बुक है जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिक एमसीक्यूज मतलब इसमें दिए हुए हैं, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक है ये, और आप आराम से इस थ्योरी और एमसीक्यू इसमें क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लास्ट सब्जेक्ट हमारा हिंदी, बट नॉट द लीस्ट, सबसे आखिर में बात कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसकी इम्पोर्टेंस कम है। बच्चे याद रखिए, हिंदी आपकी हर पेपर में आती है, हिंदी चाहे आप राजस्थान चले जाइए, चाहे यूपी का पेपर दे लीजिए, चाहे बिहार का दे लीजिए, हिंदी हर पेपर में आती है, तो आपको देखा जाए तो एक अच्छी थ्योरी बुक की ज़रूरत है हिंदी की, और एक एमसीक्यू बुक की ज़रूरत है, जो दोनों इसके अंदर मिल जाएंगी। ये बुक आप लोग देख सकते हैं, सामान्य हिंदी की बुक है, आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक आती है, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज भी दिए हैं, जो अलग अलग पेपर के, टीजीटी पीजीटी के या सीटेट यूपीटेट के अच्छे अच्छे एमसीक्यूज का इसके अंदर क्या है संग्रह है, और एक थ्योरी और एमसीक्यू बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट की गई है। यहाँ मैंने बात कर ली जितनी भी बुक्स आप लोगों को रिक्वायर रहेंगी, चाहे अपने कोर्स के दौरान, चाहे अपनी TG2 इलेक्ट्रिशियन से तैयारी के दौरान। अब लास्ट एक हम लोग बात कर लेते हैं सर, करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, तो करंट अफेयर्स के लिए मैं सब लोगों को बच्चे यही कहूँगा कि हर मासिक पत्रिकाएँ आती हैं, ठीक है ना, मासिक पत्रिकाएँ आती हैं, तो आप मासिक पत्रिकाओं को ले सकते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट आप कोई भी YouTube चैनल पर को पकड़ लीजिए, जहाँ पर आपको समझ में अच्छा आता हो, और आप डेली करंट अफेयर्स को ज्वाइन कर लीजिए, या 6 महीने का करंट अफेयर्स, YouTube पे बहुत वीडियो मिल जाती हैं, ठीक है ना, YouTube पे बहुत वीडियो मिल जाती हैं डेली करंट अफेयर की, जो डेली लाइव क्लासेस होती हैं, या 3 महीने का करंट अफेयर, या 6 महीने का, आप अगर उससे भी नोट्स बनाओगे तो वो भी बहुत बेस्ट रास्ता है, और सबसे ईजिएस्ट रास्ता है, याद रखिए। तो ये आप लोगों के लिए मैं यही कहूँगा, ये मासिक पत्रिकाएँ ले सकते हैं अगर आपको किताब से पढ़ने का शौक है, नहीं तो आप बुक YouTube पे भी पढ़ सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट रास्ता है। परंतु एक गलती मत करना कि केवल बस वीडियो देखते रहे और देखते रहे, उसको आप जब तक नोट डाउन नहीं करोगे तो नुकसान आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। याद रखेंगे सभी लोग कि ये सब की सब चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देंगी अगर बुक्स आप फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर कोई मेरे से बहुत अच्छी चीज़ रह गई हो बताने के लिए तो मुझे कमेंट करके बताना आप लोग, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं सुलझा दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।